ऐसी जाएगा कि जितनी भी महापौर की सीट है वहां पर 11 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से वो आते हैं। अब बात करते हैं आपके कुछ जिले में कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं टिकट को बंटवारे के लेकर, तमाम चीजें जो कही जा रही हैं उन पर क्या कहेंगे आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटें खाली रह गई हैं कुछ वार्डों में, उन पे क्या वजह रही उनका खाली? तो क्या वजह है, आखिर कौन सी वो सीटें रही जिन पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई, और जो नेता नाराज हैं उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? हालांकि वो पार्टी में ही हैं, पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। इस अब गठबंधन की बात कर लेते हैं, गठबंधन के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो भी बसपा के ही नेता हुआ करते थे, आज उनकी धर्मपत्नी जो है वो महागठबंधन, महागठबंधन से कैसा मतलब क्या मानते हैं, क्या कहीं चुनौती है? नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं गाजियाबाद से वीरेंद्र जाटव जी। कुछ अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, कुछ आरोप लगे, उन्हीं को लेकर हम आज सवाल जवाब करेंगे। और अभी ये बीएसपी का कार्यालय है, चुनाव कार्यालय, जहाँ पर हम मौजूद हैं और लोग भी कुछ मौजूद हैं, उन्हीं सब के बीच ये बातचीत हम कर रहे हैं। पहले तो चुनाव की स्थिति कैसी है उस पर बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है अभी फिलहाल? चुनाव बहुजन समाज पार्टी जनपद गाजियाबाद का इतिहास रचेगी और बहुजन समाज पार्टी नंबर वन पर आएगी। क्या मतलब आंकड़े लगाए जा रहे हैं, अब की बार आप एक मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ लेकर आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, क्या मतलब रहा और पार्टी की गाइडलाइंसों को लेकर, या यूँ कहें कि आप सब जो उच्च स्तरीय नेता हैं बीएसपी के, उनको उनके माइंड मेकअप क्या रहा होगा कि एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ लाना चाहिए? देखिए, महापौर के प्रत्याशी का चयन करने का काम हमारी नेता परमादरणीय माननीय बहन कुमारी महाराज जी का, माननीय बहन जी ने जिनको भी उम्मीदवार उतारा है वो सोच समझ कर अच्छा फैसला लिया है। माननीय बहन जी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 11 मुस्लिम समाज के लोगों को महापौर का प्रत्याशी बना करके ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। क्या ये मैसेज जाएगा कि जितनी भी महापौर की सीट हैं वहाँ पर 11 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से वो आते हैं, ये मुसलमानों में मैसेज जा रहा है? निश्चित रूप से जा रहा है। हम जो क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे जो प्रत्याशी जा रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी टीम जा रही है, माननीय बहन जी के फैसले से सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज में गजब का उत्साह है। अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम जो वोट है वो समाजवादी पार्टी का एक बेस वोट माना जाता है, या यूँ समझे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना बेस वोट मानती है, तो क्या अब की बार वो सब चीज़ें धरी रह जाएंगी? देखिए, विधानसभा का समीकरण अलग है। जब रिजल्ट आया तो मुस्लिम समाज ठगा से महसूस कर रहा, माननीय बहन जी को याद कर रहा है। आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और विशेषकर मुस्लिम समाज सर समाज के साथ साथ बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुका है। तो मुसलमानों का वोट जो है अब की बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहा है? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की आंधी चलेगी, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का बड़ा वोट मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं आपके कुछ जिले में कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं टिकट को बंटवारे के लेकर, तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसको नहीं मिलता है वो आरोप लगाता है। बहुजन समाज पार्टी की कोर कमेटी ने, चयन समिति ने टिकट का फैसला किया है। अब 10 लोग मांगने वाले, टिकट एक को मिलता है, तो निश्चित रूप से जिसको मिला है यदि सच्चे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं तो उसको लड़ाना चाहिए, उसकी पार्टी के साथ होना चाहिए। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनका जो है वो संभव नहीं है, वो दूसरे दलों में चले गए और बात बसपा करते हैं। वो सही है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, आने वाली 13 तारीख का रिजल्ट पता पड़ेगा, जब रिजल्ट आएगा सबको पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटें खाली रह गई हैं कुछ वार्डों पे, उन पे क्या वजह रही उनका खाली रहने का? इससे पहली बार चुनाव हुआ 51 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 63 उम्मीदवार को सिंबल दिया है और 10 को समर्थन दिया, 73 उम्मीदवार उतारे हैं। 10 को समर्थन दिया है, समर्थन जहाँ एक सीट पर कई कई लोग थे तो वो हमने फ्री छोड़ दिए थे 10 सीट। अच्छा, तो वहाँ किन को समर्थन है? जो उनमें जो है उनको फ्री छोड़ दिया गया है, वो जो जीतेगा वो हमारा आएगा। 10 ऐसी सीटें हमारी, अच्छा, यानी 63 को सिंबल दिया है और 73 सीट होता रहा है। अच्छा, तो 73 मतलब 10 पर सिंबल नहीं दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, मतलब समर्थन है जी 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 हाँ। अच्छा, तो टोटल 73 सीट हो गई। हाँ, तो क्या वजह है आखिर
कौन सी वो सीटें रहीं जिन पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई, और जो नेता नाराज हैं उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, हालांकि वो पार्टी में ही हैं, पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। इस देखिए उनको जो है तथागत गौतम बुद्ध सद्बुद्धि दे, जो भ्रष्टाचार अब से पहला हुआ है इस बार भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। कुछ लोग जिनकी दुकान बहुजन समाज पार्टी चलती है वो परेशान है, वो परेशान है और उनका कसूर नहीं है, उनके पीछे से कोई लगा रहा है, उनको सद्बुद्धि देगा, मेरा उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और मान्य बहन जी का जो फैसला है, मान्य बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करूँगा, कौन क्या कहता है इससे पढ़ लूँगा। फिलहाल चुनाव पर लौट कर आते हैं, क्या आपको लगता है कि अब की बार जो है जिस तरह से चुनाव मतलब टिकट को बंटवारा हुआ है तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में, अब की बार कुछ बेटर रिजल्ट निकल कर आएगा, और जो जिस तरह से बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी में भी ये घमासान चल रहा है टिकटों को लेकर, महामारी हो रही है, मारामार हो रहा है वहाँ, और उसकी तमाम वीडियो भी वायरल हो रही है, तो इसका फ़ायदा जो है जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं ना, जो तरह तरह की बात कर रहे हैं, वो जिला पंचायत चुनाव में भी ऐसी हरकत उन्होंने की थी, जिला पंचायत में भी नंबर वन पर रहा था जनपद गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी, और इस निकाय चुनाव में भी, पार्षद में भी, चेयरमैन में भी, मेयर में भी, आप देखना रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, सबको जवाब मिल जाएगा। मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब को इसका मतलब मन बना गए हुए, मेरा सवाल ये है कि भाजपा जो है उसमें भी टिकट को लेकर मारामारी हो रही है, वो तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर है, तो उसका फ़ायदा क्या बीएसपी को उठा पाएगी या बीएसपी ले पाएगी? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी से त्रस्त हैं, बहुजन समाज पार्टी ने कई के लोगों झूठे वायदे कर रखे थे, आज वो पछता करके बहुजन समाज पार्टी के साथ लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अभी मकनपुर का मामला, कई सीटें ऐसी आती हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथी थे, उनको बहका करके उनको लेके चले गए, आज वो पछता करके और सब आकर के बहुजन समाज पार्टी में गलती मान करके स्वीकार करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने हमने मकनपुर को उनको उम्मीदवार बनाया, निश्चित रूप से जीत के आएंगे, तो इसका फायदा जो है वो मिलेगा। जो मेयर प्रत्याशी हैं, अब गठबंधन की बात कर लेते हैं, गठबंधन के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो भी बसपा के ही नेता हुआ करते थे, आज उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो महागठबंधन से कैसा मतलब क्या मानते हैं, क्या कहीं चुनौती है महागठबंधन को लेकर? देखिए, नंबर एक तो बहुजन समाज पार्टी में नेता हमारी परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा कोई नेता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सब कार्यकर्ता हैं, तो ये कहना ही गलत है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, नेता कोई नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता, नेता तो हमारी नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी रही, उनका काफ़ी लंबे समय से वो पार्टी में निष्क्रिय है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर बसपा अपनी ताल ठोक रही है और ये दावे कर रही है कि अब की बार मुस्लिम प्रत्याशी के साथ दलित वोट जुड़कर बहुत बड़ा फायदा इस महापौर चुनाव में पहुंचाने वाला है, सीट बीएसपी की होने वाली है, ये दावा बीएसपी के जिलाध्यक्ष कर रहे हैं। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।